अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अल्लाह के अमान में होंगे। तो ये मेरा व्लॉग बहुत दिनों के बाद आ रहा है। शबे बारात थी तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लें। तो शबे बारात में हलवे की तैयारी हो रही है। एक साइड में चने की दाल हमने रख दी थी उबलने के लिए और दूसरे चने के रवे का हलवा बना रहे थे। तो चने के रवा ये मेरा भुन के तैयार हो गया है और कढ़ाई को खाली कर ली है। उसी कढ़ाई में पानी चाशनी के लिए रख दिया है और उसी में चीनी डाल दी है, थोड़ा सा येलो रंग डाल दिया। जब तक चीनी में उबाल आ जाएगा तो उसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मनपसंद के डाल सकते हैं। तो सॉरी, तबीयत मेरी ठीक नहीं है तो आवाज़ भी थोड़ी देर ख़राब आ रही होगी। तो मेरे ये रवा डाल दिया था, रवा डाल के उसको भून लिया था सब के अच्छे से। जब ये जमने के लायक हो गया था तो जमने के लिए रख दिया था और इसको गरम गरम ही हाथ से सेट करना पड़ता है, वरना जो है जम जाता है तो फिर काटने में दिक्कत होती है, कलियाँ साफ़ नहीं बनती हैं, बिखरी बिखरी बनती हैं। और शब रात वाले दिन काम भी ज़्यादा रहता है, सारा ही काम रहता है। तो हम और बच्चे सब मिल के काम कर रहे थे। जब तक हम हलवा बना रहे थे जब तक बच्चे लोग उनको लगा दिया था दाल उबल गई थी दाल पीसने के लिए, ताकि जल्दी काम हो जाए और सारे काम टाइम से निपट जाए। तो चने के रवे का हलवा मेरा तैयार हो गया था और दाल भी उबल के तैयार हो गई थी। तो चने की दाल को भी भून रह गए थे। जब तक चने की दाल भून रही थी जब तक जो है बिरयानी की भी तैयारी कर लिए थे, चावल को धो लिए थे और फिर गोश्त वगैरह भी धो लिया था साथ में। तो दाल भी मेरी भुन के तैयार हो गई है। सेम चने के रवे की तरह ही दाल का भी हलवा बनता है। मोस्टली हलवे सब एक ही तरह से ही बनते हैं, थोड़ा बहुत जो है चेंज रहता है, बस पानी का मेजरमेंट ही अलग रहता है। किसी में कम पानी लगता है, किसी में ज़्यादा लगता है और किसी में बिल्कुल ही नहीं डाला जाता है। तो मेरा चने का दाल का भी हलवा तैयार हो गया है और फिर उसके बाद में शाम में नियाज भी करवा ली थी। नियाज के होने के बाद में सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। सब लोगों ने खाना खा लिया था तो उसके बाद हमने भी खाना खा लिया। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।